खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों दलों के बड़े नेता लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के जीत के लिए चुनावी दौरे कर रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी भीकनगांव पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपने नेतृत्व को नहीं खोज पा रही है। टूट की कगार पर पहुंची कांग्रेस के बड़े लीडर G20 समिट कर रहे हैं, खुद उन्हीं के लीडर उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि पार्टी बूथ स्तर पर भी अपना जनाधार खो चुकी है, ऐसी पार्टी से अब जनता उम्मीद भी नहीं रखती। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, कांग्रेस नेस्तनाबूत हो गई है और अपना अस्तित्व खो चुकी है। है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने दिग्विजय सिंह की तुलना महाराणा प्रताप से की। अरे महाराणा प्रताप तो इस देश के वो क्रांतिकारी हैं कि जिन्होंने इस भारत माता की मुगलों से संघर्ष करते हुए घास की रोटी खा करके अपने आप को इस जीवन का बलिदान उन्होंने कर दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं जो आज के मुगलों से समझौता करते हैं, आज के आतंकवाद से समझौता करते हैं, आतंकवादियों का सम्मान करने के लिए जाते हैं। भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पूरा भारत गौरव मनाता है और दिग्विजय सिंह ये पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। इसका जवाब इस क्षेत्र की जनता उनको इस लोकसभा के चुनाव